आज हम लोग सीखेंगे वैट क्या होता है। लेकिन वैट सीखने के लिए सबसे जरूरी है पहले तो सेल्स टैक्स जानना। तो पहले हम लोग सेल्स टैक्स ही पढ़ लेते हैं। सेल्स टैक्स भला क्या है पहले हम ये ध्यान देंगे। आप लोग इस डायग्राम पे ध्यान दीजिए। देखिए सेल्स टैक्स आसान सा है। ए बी सी हैं तीन लोग। ए मान लीजिए होलसेलर है, बी रिटेलर है, सी कस्टमर है। या ऐसा मान लें कि ए मैन्युफैक्चरर है, बी होलसेलर है और सी रिटेलर है। अब देखिए 10 रुपए में कोई चीज ए ने खरीदी, ठीक है, और 5 रुपए प्रॉफिट मार्जिन रखा और 2 रुपए टैक्स था। अब देखिए टोटल हुआ 17 रुपए, ठीक। अब जरा ध्यान से देखिए तो असल में टैक्स किसने पे किया है गवर्नमेंट को 2 रुपए, अभी ए ने कि बी ने? आप सब लोग ज्यादातर कहेंगे ए ने, लेकिन असल में खींचा तो बी से गया है ना। तो देखिए 2 रुपए टैक्स जो है वो बी से खींचा गया है, ए ने खींचा है वो गवर्नमेंट को देगा। तो पहले तो ये जो 2 रुपए आप देख रहे हैं वो मिल गया गवर्नमेंट को। फिर बी को यही चीज 17 रुपए मिली। जब भी कोई चीज बेची जाती है, कोई भी आदमी पागल तो है नहीं कि ऐसे बेच देगा, तो वो जितने पाता है उसमें प्लस प्रॉफिट मार्जिन जो उसकी जेब में जाता है और प्लस जो गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाती है। टैक्स के दायरे में हर आदमी नहीं आता है, टैक्स के दायरे में कुछ ही लोग आते हैं। वैट तो 5 लाख से ऊपर से 50 लाख के बीच में कॉम्पोजिशन स्कीम रजिस्ट्रेशन होता है और 50 लाख के ऊपर वैट का रजिस्ट्रेशन होता है। फिर 2 रुपए जो टैक्स है इसमें देख रहे हैं आप, वो गवर्नमेंट लगाती है। अब देखिए बी को 17 रुपए में मिला, तो बी ने क्या किया, 17 रुपए प्लस 10 रुपए अपनी जेब में डाले, 5 रुपए गवर्नमेंट टैक्स लगाया, तो 32 रुपए में सी को मिला। अब इसमें 5 रुपए गवर्नमेंट टैक्स लगाया, वो भी गवर्नमेंट को जाएगा, तो गवर्नमेंट को टोटल मिला 7 रुपए। तो सेल्स टैक्स का काफी आसान था, ठीक है। अब सेल्स टैक्स के बाद हम जरा वैट पे ध्यान देंगे कि ये तो बहुत आसान है। अभी हम आपको टैली में करके दिखाएंगे होता कैसे है। अब जरा हम इस पे आते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स पे। वैल्यू एडेड वर्ड समझिएगा, वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है। वैल्यू एडेड मतलब होता है एक्स्ट्रा, कितना एक्स्ट्रा ले लिया। अब देखिए यही बिल्कुल सेम डायग्राम, लेकिन अंतर क्या होगा इसमें, ए ने बी को माल बेचा उतने ही में, ठीक है, और बी ने सी को उतने ही में बेचा, लेकिन गवर्नमेंट को केवल 3 रुपए मिला। उसमें कितने मिले थे, उसमें मिले थे 7 रुपए, और इसमें कितने मिले, केवल 3 रुपए। आप कहेंगे ऐसा कैसे। अब देखिए ए ने बी को माल बेचा, ये जो 2 रुपए टैक्स है जाके फिजिकली मतलब हाथ में जाके तो गवर्नमेंट को ए ही देगा, लेकिन खींचा किससे गया, असल जो देने वाला है टैक्स वो बी है ना कि ए। तो देखिए जब कोई बेचते समय जो टैक्स खींचता है तो वो उसका आउटपुट वैट होता है। तो देखिए क्या लिखा, आउटपुट वैट ऑफ ए, और बी ने खरीदा है तो उसका इनपुट वैट। इनपुट मतलब क्या होता है, खरीद, और आउटपुट मतलब क्या होता है, बेचना, ठीक है। इसके बाद तो 2 रुपए ये देख रहे हैं आप, ये इनपुट वैट ऑफ बी है, आउटपुट वैट ऑफ ए है। ये 2 रुपए बी से खींचा गया है, ए ने गवर्नमेंट को दे दिया। अब देखिए खरीदते समय बी ने कितना टैक्स दिया था, 2 रुपए, लेकिन बेचते समय उसने सी से कितना खींच लिया, 5 रुपए। तो कितना वैल्यू एडेड खींचा, यानी दूसरे शब्दों में कहें कितना एक्स्ट्रा खींचा, उसने खरीदते समय 2 रुपए दिए थे और बेचते समय उसने 5 रुपए खींच लिए, तो 3 रुपए उसने एक्स्ट्रा लिए, तो 3 रुपए वो गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। अब देखिए क्या होगा, असल में 10 + 5 + 2 उसने दिया था, यानी 17 रुपए में दिया था, इसमें से 2 रुपए अपनी जेब में रख लेगा, 3 रुपए गवर्नमेंट को दे देगा। तो ये डायग्राम में आप देख रहे हैं, जो ये 5 रुपए आउटपुट वैट बी का है, इनपुट वैट सी का। अगर सी बेचेगा यही होगा। अगर किसी का होता ही नहीं है, मतलब क्या इनपुट वैट अगर किसी ने दिया ही नहीं, तो उसको पूरा पूरा आउटपुट वैट देना पड़ता है। अब आप सोचेंगे ए मैन्युफैक्चरर, उसने भी तो किसी से ना किसी से खरीदा ही होगा। अब देखिए ए मैन्युफैक्चरर है, मान लीजिए वो रुई बेच रहा है, तो वो तो पेड़ से नोच के लाया होगा, तो उसको तो पूरा पूरा देना पड़ेगा। या हम ये कह सकते हैं पेड़ से नहीं नोच के लाया, आदिवासी, आदिवासी तो टैक्स के दायरे में आता नहीं, वैसे पकड़ नहीं पाएंगे उसको आप, है कि नहीं, तो वो तो टैक्स के दायरे में आता ही नहीं। तो 2 रुपए ए को पूरा पूरा देना पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन बी ने जिससे खरीदा है वो उसे पूरा पूरा नहीं देना पड़ेगा। जिस जो आदमी इनपुट वैट देता ही नहीं है, तो उसके लिए तो यानी हम ये भी कह सकते हैं, अब जरा हम आपको ये दिखा दें फॉर्मूला, यानी हम ये भी कह सकते हैं
हम ये कह सकते हैं वैट पेबल इज इक्वल टू आउटपुट वैट माइनस इनपुट वैट। ठीक है, अब देखिए फिर से आ जाते हैं इस पे। अब देखिए आपको थोड़ा सा तो अजीब लगा ही होगा, हाँ वैट में ऐसा कैसे हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए फिर से, अब दूसरे एग्जांपल समझाते हैं। अब बहुत सिंपल सा है, अब ये देखिए इसमें ₹2 आपने दिए थे लेकिन खींच कितने लिए, ₹5। तो सिंपल सा है, ₹2 से ₹5 कितना दूर है, ₹3। तो आज ये डायग्राम में साफ साफ देख रहे हैं ₹3 एक्स्ट्रा ले लिए हैं। तो एक्स्ट्रा जो है वो डिफरेंस है, वही हम गवर्नमेंट को दे देते हैं। तो इसमें भी वही चीज बताई, इसमें थोड़ा क्लियरली इसमें केवल टैक्स दिखाया गया, जो अभी हमने पिछला डायग्राम देखा था उसमें हमने प्रॉफिट मार्जिन और सब दिखाया था, इसमें हमने नहीं दिखाया है। इसमें हमने केवल टैक्स का अमाउंट दिखाया जो कि जितना खींचा गया या जितना हमसे खींचा गया किसी ने या हमने किसी से खींचा। अब देखिए बिल्कुल सिंपल एक एग्जांपल समझाते हैं, बिल्कुल घर के एग्जांपल से। मान लिया आपका कोई छोटा भाई है, ठीक है, देख लीजिए यंगर ब्रदर लिखा हो, और आप हैं, मम्मी है और आपके पापा है, पापा को मान लेते गवर्नमेंट, ठीक है, थोड़ी आपको हंसी आएगी लेकिन ये एग्जांपल आपको बिल्कुल समझा देगा। देखिए आपने छोटे भाई को ₹2 दिए, ठीक, छोटे भाई ने आपसे कितने खींचे, ₹2, और मम्मी से आपने मांग कितने लिए, ₹5। तो मम्मी को आपने कितने ठगा, कितने से ज्यादा मांगा ₹2 के ऊपर। तो ₹2 से पांच में कितना अंतर, ₹3 आप पिताजी को देंगे, पिताजी मतलब फादर मतलब गवर्नमेंट। तो इस एग्जांपल से भी हम समझ सकते हैं बड़े आराम से कि वैट का असल मतलब है क्या। तो ये है पहले तो वैट का मतलब, ठीक है। अब हम इसमें आपको बताएंगे एंट्री कैसे की जाती है, ठीक। अब इस बार से मैं सोचा हूँ हिंदी में वीडियो बनाने की, हिंदी में वीडियो एक तो मातृभाषा है, हम भाई हिंदुस्तानी तो हिंदी में बोल रहे हैं, और हिंदी थोड़ी ज्यादा समझ आएगी जिसको हम पढ़ाएंगे, मांग तो ज्यादा हिंदी की है, बाहर की बात कहें तो उसके लिए तो बाद में देखा जाएगा, मातृभाषा मातृभाषा होती है। तो आपको ज्यादा हिंदी में समझाने के लिए हम ये एग्जाम्पल्स बनाए हैं, वैसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बीकॉम थर्ड ईयर की किताब उठा के पढ़िए, उसमें अच्छे से वैट आपको समझ में भी आएगा। और हम आगे ये वैट की एंट्री करेंगे अभी, लेकिन इस वीडियो में अभी हम नहीं करते हैं। एक और आपको फॉर्मूला बता दे रहा, एक तो होता है वैट, कभी कभार ऐसा भी होता है कि वैट रिफंडेबल हो जाता है, वैट रिफंडेबल हो जाता है जब इनपुट वैट आउटपुट वैट से ज्यादा होता है। ये हम आपको कायदे से समझाएंगे जब हम वैट की एंट्रियां करेंगे, तो उसमें और अच्छे से समझाएगा वैट रिफंडेबल और पेएबल में अंतर क्या है। कभी कभार क्या होता है जितना हमसे टैक्स खींचा जाता है हम उससे कम खींचते हैं, हो सकता है कम बेचे भाई तो कम खींचा जाएगा तो वैट रिफंडेबल हो जाएगा। तो ये हम दोनों ही स्टेज आपको दिखाएंगे टैली में, फिलहाल इस समय हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो को पॉज करके दोबारा सुन के अच्छे से समझिए, नहीं तो ऐसे नहीं समझ आएगा, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, अभी तो चलते हैं, फिर मिलते हैं।